हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनर यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट्स। यार आज हम आपके लिए कराए डीसी पावर सप्लाई क्यूजेई की। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं आज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी हैवी वेटेड मशीन है, लगभग 11 kg 11 kg की केवल मशीन ही है। एंड बात करते हैं हम क्वालिटी की, तो इसके अंदर आपको फोर डिजिट के अंदर मिलने वाली। ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पीछे इसका बैक प्लग है, अभी हमने फिलहाल इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फोर डिजिट के अंदर है, 10 एम्पियर 30 वोल्ट ट्रांसफार्मर बेस्ड। यहाँ से ये आपका 30 एम्पियर भी सकते हैं, एंड उसके बाद यहाँ से इसका आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं 30 वोल्ट और 10 एम्पियर के अंदर आपको डीसी पावर सप्लाई मिलने वाली है। क्यूजेई की ट्रांसफार्मर बेस्ड है। इसके अंदर मैं आपको एक और मॉडल भी दिखाता हूँ, 30 वोल्ट 5 एम्पियर और 30 वोल्ट 10 एम्पियर दोनों डीसी पावर सप्लाई रेडी स्टॉक हैं। तो दोनों स्टॉक में आपको मिलने वाली है। और भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल छोटी एक मैं आपको ट्रे नहीं उठा लेता हूँ, ट्रे के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आगे एक रोलर, ये हैवी रोलर है, इसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आया आपका SMD टेस्टर आ गया रेडी स्टॉक के अंदर। ये आपका पहले मॉडल आया था UT6116C मॉडल आया था, एंड अभी जो स्टॉक में आया UT11A मॉडल आ गया। तो SMD टेस्टर ये भी स्टॉक में आ गया। इसके अंदर मैं आपको फीचर और दिखाता हूँ। फीचर के अंदर जैसे कि आप अगर डिफरेंस की बात करेंगे, तो इसके अंदर मिलने वाला है आपको UT6116A एंड C। सी के अंदर जो आपका ऑटो आइडेंटिफिकेशन फीचर नहीं है, और ए के अंदर जो है ये फीचर अवेलेबल है। तो ये वाला मॉडल इसका टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल स्टॉक में आ गया ये भी। उसके बाद मैं आपको एक चेयर और दिखाता हूँ। ये आपका यूनिट का UT61B+ मॉडल है, मल्टीमीटर। इसे भी हम कर लेते हैं अलग अनबॉक्स। तो मीटर काफ़ी बढ़िया है देखने में भी। ये देखिए UT61B+ मॉडल है, काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ है। बैटरी अभी लगी हुई नहीं है, बैटरी इसमें पेंसिल सेल बैटरी लगती है, तो पेंसिल सेल भी इसके अंदर बैटरी भी है। एंड इसके अंदर फोर बैटरी लगती है, फोर बैटरी पेंसिल सेल है ये रही। और उसके बाद इसमें मिलती है आपको एक मीटर की प्रॉब, तो मीटर की प्रॉब की भी काफ़ी अच्छी बढ़िया क्वालिटी दी हुई है। एंड इसके अंदर जो डिफरेंस कंपनी ने पहले के उसमें मीटर में और अब मुझे जो डिफरेंस दिया हुआ है, वो ये डिफरेंस दिया हुआ है। ये आप PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड 61B में जो पहला मॉडल आया था, जो 61B था, उसके अंदर आपने ध्यान दिया कि उसके अंदर 232 पोर्ट था, और इसमें हमें USB के लिए कन्वर्टर लगाना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि डायरेक्ट कंपनी ने अभी जो B+ मॉडल है वो उसमें डायरेक्ट USB से दिया है। तो आप इसे ईजिली कंप्यूटर से भी कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तो जो आपका जो मीटर की जो डिस्प्ले है वो आपकी एक स्पीड डिस्प्ले बन जाएगी, और उसे आप अपने PC पर भी यूज़ करें। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ आपको मिल जाएंगी अभी कॉपर की बिट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी इसमें पॉइंटेड बिट आने वाली है। तो इसके अंदर मैं आपको क्लोज दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल प्योर कॉपर है, तो ये भी हैवी क्वालिटी के साथ है। इसके अंदर काफ़ी वेराइटी है, तो इसके अंदर आपको बैंड मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद इसके अंदर एक और वेराइटी है, ये देखिए ये पॉइंटेड है, बिल्कुल शार्प नीडल एकदम पॉइंटेड, जिसे हम कह सकते हैं 900C की बिट है। तो ये पॉइंटेड भी अभी स्टॉक में आ गई है। पॉइंटेड के बाद इसके अंदर आपको एक मॉडल और मिल जाएगा, जो कि इसमें SK बिट आता है, जो कि इसमें छोटा बिट, जो इसमें K बिट आती है। इसके बड़े बिट भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको डिफरेंस जो है ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए दो डिफरेंस आते हैं, दो बिट आती है इसमें आपकी, K में इसमें बड़ा साइज आएगा, एंड ये इसका छोटा साइज़ हो गया है। अब आप बिल्कुल डिफरेंस पता कर सकते हैं, ये इसका छोटा साइज़ है और ये इसका बड़ा साइज़ है। तो इसमें दो बिटें ये भी आ गई है स्टॉक के अंदर। कुछ बिट्स और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फिलहाल अभी ये 4 बिट है, तो अभी मैकेनिक की भी इसमें आपको एक बिट दिखा देता हूँ मैं। मैकेनिक की पॉइंटेड बिट भी आ गई है बिल्कुल ईजिली, 900 सीरीज़ के अंदर ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 900 सीरीज़ के अंदर है एंड फुल्ली पॉइंटेड है, जिसे हम कहते हैं। एंड 900 सीरीज़ में ये आपकी बिट लग जाएगी, कोई भी आप 900 सीरीज़ का कोई भी स्टेशन यूज़ कर रहे हो।
तो सभी में आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैकेनिक की ही नया मॉडल आ गया है, मैकेनिक का आपको के बिट के साइज बिट आपको ये भी स्टॉक में है, ये भी आप परचेज कीजिए। देखिए प्रोडक्ट जितना जेन्युइन रहेगा ना और जितना क्वालिटी वाला रहेगा तो उतना ही काम करने में मज़ा आता है। मैं आपके लिए नए से नए प्रोडक्ट्स लेते आएंगे। तो मैकेनिक की मैंने आपको बिट भी दिखा दी। उसके बाद आ गया डिसोल्डर वायर, मैकेनिक का ये भी इसके अंदर ओरिजिनल कॉपी दोनों आती हैं लेकिन अपने पास अभी फिलहाल ओरिजिनल अवेलेबल है, तो ओरिजिनल आपको ये भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर किसी को मीडियम क्वालिटी में चाहिए तो फिर आपको 6 सेट का इसमें बिट भी आता है जो कि ये कॉपर बिट है, तो ये इसका सेट भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सारी मिलने वाली हैं, मैं आपको इसे ओपन कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर 6 बिट का सेट भी आपको मिल जाएगा एंड 6 के अंदर मैं आपको डिफरेंस, इसके अंदर आपको बी बिट भी मिल जाएगी, के एस के पॉइंटेड एंड आपकी 4C और 2.4B, ये आपको सारी इसमें एक ही सेट के अंदर मिलने वाली है। तो ये भी आप 900 सीरीज में किसी भी स्टेशन के आप अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने मैकेनिक का डिसोल्डर वायर दिखाया, फिर आपको सी के इसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी के अंदर आपको बढ़िया रेंज मिल जाएगी ये भी एंड इसकी भी, ये भी आपका रेडी स्टॉक आ गया, ये भी आपको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। आप भी स्क्रीन पे दिए जाए नंबर पे भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद आपको मिलने वाला है टीजर ब्लू क्लियर रॉयल ब्लू एंड साइज देखिए काफ़ी लॉन्ग साइज की टीजर है एंड पॉइंटेड है। इसके अंदर आपको दोनों साइज मिल जाएंगे, पॉइंटेड एंड कर्व दोनों मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाई पॉइंटेड एंड ये आपका ये पॉइंटेड एंड ये आपकी कर्व बैंड है, तो दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद ये आपकी क्रोकोडाइल ट्वीज़र, ये भी स्टॉक में आ गई है। उसके बाद मैं आपको एक बिट और भी दिखा देता हूँ। फिलहाल बिट्स की बात अगर चल रही है और बेकन ना आए तो मज़ा ही नहीं है, तो ये बेकन की बिट भी आ गई हैं। इसमें आपको पॉइंटेड मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, तो पॉइंटेड बिट भी आपको मिल जाएगी बेकन के अंदर। उसके बाद इसमें 2.4D ये भी आपको बेकन में मिल जाएगी, ब्रांडेड कंपनी, आप ब्रांडेड में भी डील कर सकते हैं। तो इसी के अंदर आपको आई बिट जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंटेड ही, और इसी के अंदर आपको ये मिल जाएगी के बिट, तो ये के बिट भी इसके अंदर जो नाइफ वाली है ये भी रेडी स्टॉक हो चुकी है। देखिए एंड एक और चीज़ जो आपका हैंडल वगैरह है, किसी का SMD का हैंडल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो हैंडल कवर भी आ चुके हैं, तो हैंडल कवर भी आप इजीली कर सकते हैं। SMD का हैंडल ब्रेक हो जाए तो अभी टेंशन नहीं लेना क्योंकि उससे फिर एयर का इश्यू आता है, लीकेज वगैरह का एक प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद आपको मिलने वाला है T2 जो अभी मार्केट में भी नया आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो ये T2 ROM एप्पल की जो BIOS आती है उसे प्रोग्राम करने के लिए भी सॉकेट आ चुका है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ये T2 सपोर्ट करता है एंड मैक्सिमम आप इसमें देख ही सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके की सारी के सारी BIOS जो है ये आप इस सॉकेट के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको कुछ स्टेशन्स वगैरह दिखाता हूँ जो कि अभी नए स्टेशन्स आए। तो सबसे पहले बेकन का 900, यह आया बेकन का 936D+ मॉडल है, आप देख भी सकते हैं बेकन का 936D+, ये अभी नया स्टॉक आया हुआ है, तो ये भी अभी रेडी स्टॉक है। उसके बाद बेकन के अंदर अभी काफ़ी वैरायटी आई हुई है। आप मिलने वाले आपको बेकन का BK881 मॉडल आया हुआ है जो कि 90 वॉट के अंदर आता है इसका स्टेशन वगैरह, तो ये भी स्टॉक में आ गया। इसकी वीडियो अपने चैनल पे भी डली हुई है, अगर आप डिटेल्स में इसकी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी के साथ है एंड इसमें 90 वॉट का आयरन है, बाकी टिप क्लीनर वगैरह सब चीज़ इसका स्टॉक में मिलता है, तो ये भी स्टॉक में आ गया है। तो इससे पहले हम हटा देते हैं, कुछ और भी नया आ गया है। फिर इसमें आ गया बेकन का 8586 मॉडल आया हुआ है बेकन का, तो उसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी नया मॉडल है। जैसे कि आपने देखा पहले वाले जो मॉडल्स आते थे ना वो ब्लैक कलर में आते थे, तो अब जो है फिलहाल जितने भी आ रहे हैं वो इस कलर के अंदर आ रहे हैं, तो कलर बहुत प्यारा है, ब्लू कलर है, देख भी सकते हैं आप।
तो काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी है। अगर वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो आप मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर इसकी वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, BK 861 मॉडल है ये भी आ गया है, 1000 वॉट के अंदर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक वगैरह बर्न फ्री रहते हैं एंड बोर्ड वगैरह इससे जल्दी ब्लैक भी नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आपको करना है सब्सक्राइब शेयर, सॉरी चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो करना है शेयर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो अभी मैं आपके लिए एक निकालता हूँ इसमें से असेंबली, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी के अंदर आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तो बॉक्स काफ़ी बड़ा है, पैकिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब इतने में तो दो क्या कहते हैं डीसी सप्लाई चली जाएगी, इतना बड़ा बॉक्स है। तो ये इसका स्टैंड है और ये आपकी असेंबली और ये इस तरह से फिट हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल आपके सेटअप से भी मैच करेगी, ब्लू कलर है रॉयल ब्लू, एंड मैं ऑन करके भी आपको इसे दिखा देता हूँ। ये देखिए तो इसके अंदर फिलहाल अभी ये स्टार्ट हो गई है, तो हम यहाँ से इसे ऑन करेंगे। तो मशीन अभी ऑटो मोड में है, तो जैसे ही अगर हम इसे उठाएंगे तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, तो चैनल अभी इसमें 4321 अभी मैंने इसे चैनल 1 पे सेट कर दिया। तो टेम्परेचर देखिए यहाँ से गया कितना, यहाँ से आप देख भी सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर चला गया है। तो यहाँ से देखिए 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर चला गया बहुत ही फास्ट। और एक आप इसमें एक अच्छी क्वालिटी क्या देखेंगे, हमने हैंडल डाउन किया, इसका एयर प्रेशर ये जो एयर फ्लो है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद जो है वो स्लिप मोड में चली जाएगी मशीन। तो इसमें क्वालिटी का क्या इसमें एक मेंशन हुआ कि क्वालिटी से इसका ये बात हुई कि आप मशीन का जो एलिमेंट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, रीज़न क्या है कि ये जल्दी कूल हो जाएगी और कूल होने के बाद ये साइलेंट होगी। नोजल्स वगैरह की बात करें काफ़ी सारे इसमें नोजल्स भी दिए हुए हैं 4, ये कुछ 2-3 चीज़ दिए हुए हैं जिसके बारे में हम डिटेल से वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज़ के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।